आगरा कामना सुखद भविष्य की। पारस पल्स खतैना रोड प्रांगण पर शुक्रवार को एक अलग माहौल था। आगरा में प्रतिदिन जहां जैन धर्म के जयघोष गूंजते थे, वहां चाहत थी साध्वी डॉक्टर पूजा ज्योति जी के पावन सानिध्य की। मानव धर्म की प्रखर प्रवक्ता महासती डॉक्टर पूजा ज्योति जी पिछले 8 जून से लगातार अपनी अमृत वाणी से जैन व जैनेतर को अभिषेचित कर रही थी। शनिवार को प्रातः 7 बजे उनकी चतुर्मासिक मंगल यात्रा पोषण शाला लोहा मंडी के लिए प्रारंभ होने जा रही है, जिसे लेकर अपार्टमेंट वासियों में साध्वी मंडल के प्रति अनुराग उमड़ रहा था, क्योंकि पिछले 20 दिनों में उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आने लगा है। प्रातः जल्दी उठना, नित्य कर्म से फरीक होकर प्रवचन स्थल पर जाना, अमृतवाणी को श्रवण करना व बच्चों को संस्कार रोशन कराना दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। प्रवचन उपरांत सभी ने सामूहिक रूप से प्रत्येक रविवार सोमवार को प्रवचन पारस पल्स में ही रखने की विनती की। सुश्रीविका रीता लीलावती व रविन जैन की अगुवाई में भावभरी विनती की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों में प्रमुख रूप से योगेश जैन, अजीत जैन, लालू जैन, सुभाष जैन, प्रतीक जैन, रवि जैन आदि प्रमुख थे। आगरा से कैमरामैन रोहन के साथ अखिलेश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? संदेश जैन। क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर? ये पारस पल्स लोहा मंडी मार्ग पर विगत एक माह से धर्म की अनूठी गंगा साध्वी पूजा ज्योति जी महाराज के द्वारा प्रवाहित की जा रही है, जिसमें न केवल जैन अजैन सभी लोग मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं और पारस पल्स में रहने वाले वे छोटे छोटे बच्चे भी जो 10-11 बजे उठा करते थे, वो 8 बजे नहा धोकर अनुशासित सिपाही की तरह इस प्रवचन में आ रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने जीवन जीने की कला को सीख रहे हैं। आज जब वर्तमान में भौतिक ताकि आंधी में आदमी अपने धर्म को भूले जा रहा है, ऐसे समय में ऐसे साधु साध्वियों का आना और हमें धर्म की ओर प्रभावित करना एक बहुत अच्छा सुकर्म है। निश्चित ही मैं पारसदास जैन समिति की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया। साथ ही ऐसी निराश्रित महिलाओं को जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है, उनको उन्होंने यहाँ सिलाइयाँ मशीनें दी हैं, मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि व्यक्तिगत जीवन में स्वावलंबन जितना ज़रूरी है, सामाजिक जीवन में परस्परालंबन उतना ही जरूरी है। तो निश्चित ही उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद।